नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। मुद्दा में आज हम बात करेंगे कि एक तरफ सरकार दावे करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जरिए हम बेटियों को सशक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी प्रदेश के अंदर बेटियों को अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए अनशन पर बैठना पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब शिक्षा मंत्री से सवाल जवाब किए जाते हैं तो बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले जाते हैं। विपक्षी दल इस मामले को लेकर अपनी रोटियां सेकते हुए नजर आते हैं। इस मामले में गनीमत यह रही कि बच्चियों की जान बच गई और जो उनकी मांगे थी एक बड़े दबाव के बाद में आखिरकार पूरी कर दी गई, और कल से जो एडमिशन की प्रक्रिया थी एक तरह से वो भी पूर्ण हो चुकी, क्योंकि लेटर आ चुका है और कल से एडमिशन भी शुरू हो जाएंगे, ये आश्वासन रामविलास शर्मा की तरफ से दिया गया है। ये मुद्दा बहुत बड़ा है क्योंकि ये तो प्रदेश में अभी कतोपुरी का मामला सामने आया, अभी इस गांव का मामला सामने आता है, यानी आगे भी ऐसे ही कई गांवों में और भी बच्चियां आकर सामने आएंगी जो यही मांग करेंगी कि उनकी भी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, उनकी एजुकेशन को लेकर भी सरकार को संजीदा होना होगा। अगर कहीं पर स्कूल नहीं है तो वहां पर भी सरकार को स्कूल स्थापित करने होंगे। इस बड़े मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। एक लड़की पढ़ती है तो पूरी एक पीढ़ी पढ़ती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये वो स्लोगन है जो लड़कियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए दिए जाते रहे हैं। पीएम मोदी लड़कियों की पढ़ाई पर विशेष जोर देते रहे हैं। वहीं सूबे के सीएम मनोहर लाल खट्टर का फोकस भी कन्या भ्रूण हत्या के अभिशाप से राज्य को पूरी तरह मुक्त करने और लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने पर रहा है। अब ये बात अलग है कि हरियाणा के रेवाड़ी में लड़कियों को पढ़ाई के लिए अपनी जंग खुद लड़नी पड़ रही है। रेवाड़ी के गोठड़ा टप्पा गाँव की करीब 80 छात्राएं पिछले 7 दिनों से अनशन पर थी। मायूस आंखें, लेकिन उम्मीदें अपार थी। अनशन के कारण शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन बुलंद हौसले और हक पाने का विश्वास सरकार के सामने डट कर खड़ा था। दिन ब दिन बीतते गए, लेकिन बेटियों की हिम्मत ने जवाब नहीं दिया। छात्राओं की मांग थी कि गांव के 10वीं तक के स्कूल का दर्जा बढ़ाकर सीनियर सेकेंडरी किया जाए ताकि वहां 12वीं तक की पढ़ाई हो सके, लेकिन छात्राएं सरकार के आश्वासन की बजाय नोटिफिकेशन चाहती थी और उनकी आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाई, और आखिरकार जीत बेटियों के बुलंद हौसलों की हुई। 7 दिनों के धरने के बाद आखिरकार सरकार बेटियों के सामने झुक गई है। सरकार ने रेवाड़ी के गोठड़ा टप्पा गांव में अनशन पर बैठी बेटियों की मांगों को मान लिया है। मांगे मानने के बाद छात्राओं ने भी अनशन खत्म कर दिया। सरकार ने स्कूल के अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। स्कूल को 12वीं तक अपग्रेड कर दिया गया है और स्कूल में प्रिंसिपल की नियुक्ति भी कर दी गई है। कल से स्कूल में दाखिले भी शुरू कर दिए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार पहले क्यों नहीं जागी? क्यों बेटियां इतने दिनों तक अनशन पर बैठी रही? क्यों बेटियों की हालत खराब होने दी? क्यों सरकार अपने स्टैंड पर कायम नहीं रहती? क्यों सरकार फैसले लेने में देरी करती है? ऐसे अनेकों सवाल हैं जो सूबे की मनोहर सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं। तो हरियाणा न्यूज की टीम खुद पहुंची ग्राउंड जीरो पर और हमने उन बच्चियों से बातचीत की। उन बच्चियों की बातचीत को आपने सुना भी। इतना गुस्सा उनके अंदर था कि सरकार को आखिरकार कहीं ना कहीं झुकाने के लिए, दबाव बनाने के लिए उन्हें यही कदम क्यों उठाने पड़ते हैं। उनके हौसले बहुत बुलंद थे और कहीं ना कहीं उनके इन्हीं हौसलों के कारण ही खुद शिक्षा मंत्री को, सरकार को झुकना पड़ा। चलिए इस पर चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। खास पैनल इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। अनिल आर्या जी हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर है। पूनम भटनागर जी समाजसेवी हमारे साथ में है। कुलभूषण भारद्वाज जी नेता बीजेपी हमारे साथ में है। अरविंद भारद्वाज जी प्रवक्ता इनेलो। मुकेश शर्मा नेता कांग्रेस हमारे साथ में है। सभी का स्वागत। पहले एक बार अनिल आर्या जी, शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है। हमने देखा कि बच्चियों को अपनी मांगों को मनवाने के लिए, चाहे मामला कतोपुरी का हो चाहे इस गांव का मामला हो, हम देखते हैं कि बच्चियों को अनशन पर बैठना पड़ता है। जब वो लड़ाई को लड़ना शुरू कर देती हैं, तब जाकर सरकार पर दबाव बनता है। इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि सरकार संजीदा कितना है बच्चियों को लेकर। एक तरफ आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जरिए तमाम दावे करते हुए नजर आते हैं और हकीकत ये सामने आती है। देखिए पूजा, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि चाहे सरकार हो, चाहे सरकार के अधिकारी हो, चाहे सरकार के मंत्री और बाकी लोग हो, उनको संवेदनशील होना पड़ेगा। और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सरकार के लोगों की संवेदनशीलता बहुत कम होती जा रही है। हम इस वाले प्रकरण को देखते हैं, रेवाड़ी वाले को, तो 8 दिन से बच्ची अनशन पे थी और ये मांग बहुत पुरानी मांग थी। ऐसा नहीं है कि वो 8 दिन पहले ही खड़ी हुई हो। और इसके बावजूद अधिकारियों ने और वहाँ के विधायक या मंत्रियों ने क्या किया? कोई सुनवाई नहीं की। वो सुनवाई तब हुई कि जब 8 दिन पहले अनशन शुरू हुआ, 13 बच्ची आमरण अनशन पर बैठ गई,
तीन बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। ये स्थितियां जब खड़ी हो जाए, 80 से ज्यादा लड़कियां थी, 80 से ज्यादा रही, बिल्कुल थी, 13 लड़कियां आमरण अनशन की थी, आप ये देखिए। और उसके बाद भी वहाँ विधायक पहुंचते हैं तो जब वो मना कर देती है बच्चियां कि नहीं हमको लेटर ला के दो, आप घोषणाएं कर देते हैं कुछ नहीं होता है, तब भी शिक्षा मंत्री का जो बयान था वो बयान उन्होंने कहा कि राजनीति की जा रही है। किस बात की राजनीति? अगर बच्चियां अपने हक की बात कर रही हैं, बच्चियां ये बात कर रही हैं कि इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर राजनीति कर रही हैं तो फिर आपने उनकी मांगों को मान क्यों लिया? मैं कहता हूँ राजनीति कर रही है लेकिन क्या ना करें, अगर सारी समस्याओं का समाधान अनशन से होना है, अगर सारी समस्याओं का समाधान राजनीति से होना है तो करेंगी। आप ये देखिए कि वो बच्चियां कह रही हैं बार बार कि हमारे साथ छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं, हमारे साथ ये दिक्कतें आ रही हैं। जी हम खुद पहुंचे जमीन पर और बकायदे उन बच्चियों से बातचीत कर रहे थे, वहां ना जाने बाइक वाले क्या गाड़ियों वाले खूब लोफर वहां पर नजर आ रहे थे, जो बच्चियों को ना देख रहे थे, सिर्फ हमारी बदौलत वहां उनकी छेड़ने की जो हिमाकत है वो तो नहीं वो कर पाए। इसके अलावा चीजें सब थी चल रही थी। रेवाड़ी जिले का एक गाँव और था, मैं उस गाँव का नाम भूल रहा हूँ, वहां भी यही दिक्कत थी कि पास के गांव में बच्चियां जाती थी, उस गांव में स्कूल नहीं था, बच्चों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं होती थी, वहां गांव के लोग जाके मिल चुके थे, कुछ नहीं हुआ। वहां भी जब सारी चीजें हुई, पूरा हड़कंप हुआ, अनशन की बात हुई, धमकियां हुई, उसके बाद वहां स्कूल अपग्रेड किया गया, ऐसा क्यों? एक चीज और यहाँ पूजा देखनी होगी हमको कि जिस गाँव के बच्चियां हैं और जिनके साथ छेड़छाड़ हो रही है, छेड़छाड़ करने वाले कौन है? आसपास के गांव के लोग? ये तो संभव नहीं है कि रेवाड़ी जिले में जो कार्य घटना हो रही है वो सिरसा के बच्चे क्या आवारागर्दी कर रहे हैं? तो वहां के जो लोकल सिटीजन हैं, वहां के जो पंचायत हैं, वहां के जो मौजूद लोग हैं, उनका भी ये फर्ज बनता है कि उन बच्चों को काबू करे, उनको कंट्रोल करे। और इसके साथ साथ ये भी कि जो लोकल कानून व्यवस्था देख रहे हैं, चाहे वो पुलिस की बात हो चाहे प्रशासन की बात हो, वो लोग क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि उनको शिकायत ना की गई हो, अगर इसके बावजूद वो कार्रवाई नहीं की जा रही है तो बात सिर्फ घर में संभाल लेते हैं, बात सिर्फ बेटी की इज्जत की बात, इसलिए सवाल ये नहीं है, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आपने स्कूल अपग्रेड कर दिया। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जिन लोगों से उन्होंने शिकायत की, चाहे वो पुलिस के लोग थे चाहे प्रशासन के लोग थे, और उन्होंने कार्रवाई कोई नहीं की, कोई बात नहीं उनकी सुनी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने सोनीपत निर्भया कांड में देखा कि पहले पुलिस को कंप्लेंट की, पुलिस ने पूरी नलायकी बरती, उसके बाद सारी चीजें हुई। अगर इस लेवल पर ये सरकार बार बार कहती है कि हम लोगों की समस्याओं को लेकर, महिला बच्चियों को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है, संजीदा है, तो आपके जो ऑफिसर्स हैं, आपके जो पुलिस है, वो पुलिस संवेदनशील क्यों नहीं बन पा रही है? इसका दोषी कौन? इसका जिम्मेदार कौन? ये सरकार की जिम्मेदारी है। कुलभूषण जी से रहेगा, कुलभूषण भारद्वाज जी, एक होता है आमतौर पर कहा जाता है कि माँ को भी तब पता लगता है जब बच्चा रोता है, यहाँ तो आप लोग उस बच्चे की सांसें थमने का इंतजार करें कि जब सांसें थमेंगी तो बिल्कुल आ जाइए, पकड़ लीजिए हाथ, जान बच गई तो ठीक, यही जरूरत क्यों पड़ रही है हर मामले में सरकार के लिए? देखिए, मैं तो सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ। समाज के अंदर या सरकार के अंदर या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, जो पत्रकार जगत है, आप जैसे लोग हैं, वो एक आईना दिखाने का काम करते हैं। अगर कहीं पर भी कोई कमी पेशी है, सरकार पूरी तरह से, सरकार के नुमाइंदे पूरी तरह से प्रयत्नशील हैं कि आम जनमानस को उनकी जो सुख सुविधाएं हैं, कहां पर है मुझे वो बताइए ना, मैं उसी बात पर रहा हूं कि वो उनको मिले। लेकिन अगर कहीं पर कोई कमी रह जाती है, अगर अधिकारी वहां नहीं पहुंच पाते हैं, प्रशासन वहां तक नहीं पहुंच पाता है, तो आप वहां तक पहुंच पाते हैं और आप सरकार को और सरकार के नुमाइंदों को आईना दिखाने का काम करते हैं। सर, आईना दिखाना तो ठीक है, हमारा काम आईना दिखाना, लेकिन आप लोग तो आईना देखने के बावजूद भी बच्चों को कह रहे कि वो राजनीति कर रही है, क्या है? और हर बार का मामला लीजिए आप, अभी तक आपकी सरकार बनने से लेकर आज तक का मुझे एक मामला ऐसा बताइए जहां पर आपको जब बिल्कुल ना घेर लिया गया हो, आपने तब तक कोई भी मांग स्वीकार कर ली हो? पहले आप नॉर्म्स की बात, नॉर्म्स को दरकिनार क्यों कर दिया आप लोगों ने? अब क्यों दे दिया उनको स्कूल अपग्रेड करके? देखिए, हर जगह के हर स्थान का जो वातावरण होता है, जो वहाँ की व्यवस्थाएं होती हैं, उसके हिसाब से काम किया जाता है। वहाँ पर इस तरह का माहौल था, वहाँ की बच्चों की अगर मांग थी तो उसको पूरा करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध थी, और इसलिए सरकार ने और सरकार ने उसको पूरा किया। हमने वहाँ पर कोई बहस नहीं की, हमने तुरंत उसको पूरा कर दिया। और हम चाहते हैं कि इस हरियाणा प्रांत हो चाहे कहीं पर भी, वो बच्चियां आगे बढ़े, बच्चियां पढ़े, और उसको कैसे पढ़ेंगे आगे, और मुझे वो बताइए ना। दूसरी बात, मामला कतोपुरी का हो चाहे आज के गांव का हो, क्या किया आप लोगों ने? मैं अनिल जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि केवल और केवल सरकार के भरोसे बैठकर समाज का दायित्व बनता है, समाज में रहने वाले प्रत्येक वर्ग का दायित्व बनता है। मैंने कहा है आपको, शासन और प्रशासन के साथ साथ जो समाज है वो भी आईने का बताइए। अभी एक बच्ची, ये एक गांव के लोग निकलकर सामने आ गए, कभी दूसरे गांव के लोग निकलकर सामने आ गए, कल को जब सारा पूरे जितने भी गांव है जहां बच्चों को जरूरत पड़ेगी, आप वो बैठेंगे अंचल पर, तभी आप उनके स्कूलों को अपग्रेड करेंगे? क्या तैयारी है आपकी, मुझे जरा बताइए। देखिए, वहां पर किस तरह से जो विपक्ष के लोग हैं, उन्होंने जाकर अनेकों गांवों के अंदर और बच्चों को और बच्चे के परिजनों को उकसाने का काम किया है, उस पर ना दबे नहीं, हम दबे नहीं, उस पर ये टिप्पणी की गई है। हम बच्चों को जो पढ़ने जाते थे, बच्चियां जो उनकी बात थी, मांग थी, उसको पूरा किया गया है।
वो बच्चों के अनुसार, बच्चों की मांग के अनुसार। आपने हर मांग को तब पूरा किया जब आपके ऊपर पूरा दबाव बना गया। पूनम भटनागर जी, एक समाज सेवी के तौर पर आप काम करें। एक सेकंड, मैं आ रही हूं, कुछ कहना चाहेंगे? मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, कुलभूषण जी ने मेरी बात पकड़ ली, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा था कि वहाँ के जो लोग, जो सरपंच है लोकल वहाँ पर, वो स्थानीय प्रशासन को जाके मिला, पुलिस को मिला। इन बच्चों ने ऐसा नहीं है कि सीधा सरकार से अपील की हो। वहाँ के प्रशासन ने क्या किया, लोकल पुलिस ने क्या किया? उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। सरपंच साफ साफ कहता है कि हम प्रशासन के पास कई बार गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जो लड़के वहाँ छिड़खानी करते हैं वो कौन लोग हैं? ऐसा नहीं है कि पहचाने जा सकते। और आप ऑपरेशन दुर्गा चला रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, और इसके बावजूद अगर उनको आप नहीं रोक पा रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। अभियानों पर आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, क्या फायदा? ये सरकार की, प्रशासन की जिम्मेदारी है, ये सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। हम ये नहीं कि हम सबको जनता पे डाल दें, सबको सरकार पर डाल दें, दोनों पक्ष अपनी जगह ठीक है। लेकिन जब तक आपका प्रशासन, जब तक आपके अधिकारी, जब तक आपके जो विधायक हैं, वो लोग संवेदनशील नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब जनता की निर्भया के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपने जो आदेश थे वो बरकरार रहे तो लोगों को लगा कि शायद एक सबक मिलेगा। लेकिन यहाँ तो फिर एक मामला सामने आता है हरियाणा प्रदेश के अंदर, एक दूसरे निर्भया का, वहाँ पे भी बहुत घटना सामने आ रही है। और गुड़गांव में तो आज पुलिस ने कहा है कि हमारे पास कोई क्लू नहीं है। ये चीज समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं सरकार की संजीदगी, संवेदनशीलता कहीं है ही नहीं इस पूरे मामले को लेकर। ये तो इंतजार करते कि कोई मर जाए, कट जाए, तब ये लोग कुछ भी करेंगे। पूनम भटनागर जी, आप क्या मानती है इसमें? देखिए, मैं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, मैं बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क सरकार पे खड़ा करती हूँ। जब करोड़ों करोड़ों रुपया आप बजट में देते हैं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू जाता कहाँ है? आज भी अपग्रेडेशन हो रही है, आज भी स्कूलों में वो सुविधाएं नहीं है। क्या हम पब्लिक स्कूल के साथ मीट आउट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ सरकार की मंशा या प्रशासनिक अधिकारियों की मंशा नहीं है कि एजुकेशन को उस लेवल तक लाया जाए कि प्राइवेट स्कूलों को बंद किया जाए और सरकारी स्कूलों में बच्चों को लाया जाए। जब तक आप बराबर नहीं लाएंगे तो आप सरकारी स्कूलों में बच्चे खुद ही नहीं आएंगे, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी नहीं है। बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, कि मेरा तो सवाल यहाँ पर ये है कि अभी एक गांव की बच्चियां सामने आई हैं, दूसरे गांव की बच्चियां सामने आई हैं, कल को तो इस तरह से बच्चों को एक प्रोत्साहन मिलता है ना। आप या तो सबको समान रूप से फिर इस तरह आप कीजिए, सुविधाएं दीजिए कि भाई किसी भी बच्चे को वंशन पर ना बैठना पड़े। जहां जहां पर जरूरत है आप आइडेंटिफाई कीजिए, उन जगहों को आइडेंटिफाई करके आप बच्चों तक पहुंचाइए सारी की सारी सुविधाएं। कहीं पर अगर स्कूल को अपग्रेड करना है तो कीजिए, और अगर आप नहीं कर सकते, नॉर्म्स नहीं पूरे, तो आप क्लियर कर दीजिए। आप दबाव में आकर हर काम कर रहे हैं तो सरकार की संवेदनशीलता कितनी है दर्शाता है ना साफ तौर पर। और अब भी आप देखिए किसी भी डिपार्टमेंट को आप उठा लीजिए, हर एक आदमी बैठ जाता है जाके अनशन पे और फिर मांगे पूरी कराता है, तो ये कोई तरीका नहीं है। और दूसरी बात, बहुत सारे स्कूल आज भी पूजा ऐसे हैं जहाँ पे आप जा नहीं सकते, जहाँ बच्चे बैठ नहीं सकते, लेकिन वे मजबूर हैं पढ़ने के लिए क्योंकि और कोई स्कूल है नहीं। तो ये स्थिति बदलनी चाहिए। अगर हम बीजेपी किसी उम्मीद से लेकर आए थे तो उम्मीद मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं हाईलाइट नहीं हो रही है। दिल्ली की आप सरकार को आप लगातार कोसते हुए नजर आते हैं कि धरनों की सरकार है। सर, आपकी सरकार में भी तो धरने ही हो रहे हैं, इसके अलावा हो क्या रहा है? मुकेश शर्मा जी, यहाँ पर बात ये आती है क्योंकि इन बच्चों का साफ तौर पर ये कहना, 17 साल हो गए हमें इंतजार करते करते, उस 17 साल में आपकी सरकार भी रही, इनकी सरकार भी रही और अब इनकी भी सरकार है। दैट मींस ये कि कोरे आश्वासन हर सरकार दे रही है लेकिन बच्चों के बारे में सोच कौन रहा है? पूजा जी, सबसे पहले तो मैं उन बहादुर बच्चियों को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अमरन अनशन पे बैठ के और अपने स्कूल को अपग्रेड कराया। ये बहुत बड़ी बात है, इसमें आपको इस बात को दर्शाता है कि सरकार भी कितनी संवेदनशील है कि वो कितने समय से लड़कियां का हुनर हुआ। सर, कांग्रेस का आती वहां पर, मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस के टाइम पे इस तरह का कोई वक्त नहीं आया। नहीं, मैं तो अभी अनशन की बात कर रही हूँ। नहीं, अनशन कांग्रेस के टाइम पे आपसे बड़ी विपक्षी दल कोई है नहीं, तो कहां विपक्षी दल था उस मामले में? कांग्रेस ने शिक्षा के लेवल पे बहुत अच्छे काम हरियाणा में किए हैं। ऐसा नहीं है, इस तरह का कोई एपिसोड कांग्रेस के समय में नहीं हुआ। ये तो अब है कि 3 साल सरकार को हो गए हैं और तीन साल के अंदर सरकार कितनी संवेदनशील हो रही है, कितने बच्चों को स्कूल अपग्रेड कर रहे हैं, कितने अपग्रेड स्कूल हुए हैं, ये अब सरकार आपको सामने है बताए वो कि कितने लोगों को उन्होंने रिलीफ दिया। स्कूलों की इमारतें बना दी सर, शिक्षा तो आप भी नहीं दे पाए। शिक्षा हमने पूरे लास्ट स्केल पे, हमने पूरे हरियाणा में इतने स्कूल अपग्रेड किए हैं। आप स्कूल दे दिए, आप शिक्षा नहीं दे पाए। स्कूल देना और शिक्षा देना बहुत डिफरेंट है सर। देखो, ये अपग्रेड का मामला था। अपग्रेड स्कूल जो होते हैं उसमें शिक्षा का बढ़ोतरी होती है, और जिस तरह से हमने अपग्रेड किया है पूरे हरियाणा में, बिना सुविधाओं की नहीं है। हमने पुस्तक भी उपलब्ध कराई, हमने शिक्षा भी उपलब्ध कराई, हमने अध्यापक भी, गोलियां दी जाती उनके कारण कितनी बच्चे बीमार हुई थी, भूल गए कि आप उन तमाम इंसिडेंट्स को? देखो, वो अलग बात है, लेकिन किताबें नहीं मिल रही थी। पूजा जी, आप प्रेजेंट की बात करिए, आप प्रेजेंट में क्या हो रहा है, लोगों को कितना रिलीफ मिल रहा है? मैं तो प्रेजेंट की बात कर रही हूं कि आज के मुद्दे पर
आज के मुद्दे पर, चाहे कतौपुरी का मामला हो, चाहे आप, मैं तो कह रही हूँ आप विपक्षी दल होने का दम भरते हैं, आप कहते हैं कि सबसे बड़ा विपक्षी दल हम हैं, इनेलो तो बी पार्टी, यही कहते हैं ना आप लोग। तो मैं, मुझे बताइए कि कांग्रेस ने वहाँ पर उन बच्चों को कितना सपोर्ट किया? नहीं नहीं, कांग्रेस के लोग वहाँ गए हैं और उनकी काफी जो ना मदद भी की है। आपके तवर साहब पहुंचे वहाँ? आपके हुड्डा साहब पहुंचे वहाँ? यही बड़े नेता है ना आपके? देखो देखो, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लोकल लोग वहाँ पे पहुंचे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है, और उन्होंने 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 आश्वासन दिया था कि आपका, आप धरने पे बैठे रहे, आपकी मांगे जरूर पूरी होगी, उनकी मदद की, ऐसा नहीं है। आज मुख्यमंत्री अपने मांगे पूरी होंगी, शिक्षा ये आश्वासन तो सरकार ने, फिर रामलाल शर्मा तो पहले कह रहे थे ना कि अपग्रेड कराएंगे, फिर आपने क्या किया? मैं आपका पूछ रही हूँ, आपने क्या किया? हमने अपग्रेड कराने की पूरी कोशिश करी, नहीं हुआ। अब रामविलास जी का बयान आ गया हम करेंगे, तो देखो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमियां होती हैं, अपग्रेडेशन में भी कमियां होती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सरकार हर सरकार में कहीं ना कहीं अपग्रेडेशन में कोई ना कोई त्रुटियां होती हैं। अब कितने लेवल पे कितनी त्रुटियां रही होंगी उस टाइम पे, मेरा सवाल सर ये नहीं था आपसे, मेरा सवाल ये नहीं था अरविंद भारद्वाज जी। चलिए मांग तो कम से कम पूरी होगी, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि सरकार पर जब तक दबाव न बनाओ तब तक कोई काम नहीं होने वाला। बिल्कुल पूजा जी, आपने बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया, पर एक सोचने वाली बात है। मैं पहले सबसे पहले तो बधाई दूंगा उन बेटियों को, कि उन बहादुर बेटियों को, कि जिनके प्रयासों की वजह से आज एक ऐसी समस्या का समाधान हुआ जो सिर्फ उन 80 बेटियों की नहीं बल्कि पूरे गांव की बेटियों की थी। ये दूसरी और जो हमारी बहन बेटियां हैं उनके लिए भी एक मिसाल है। हाँ। परंतु एक और भी बड़ा गंभीर सवाल उठता है यहाँ पर, कि आज हरियाणा प्रदेश में लगभग 7,500 गांव हैं। आज इस गांव की बेटी बैठी है, कल एक और गांव की बैठी थी, कल को किसी और गांव की भी बेटी बैठेंगे, तो क्या सरकार उन सभी 7,500 गांवों के स्कूलों को अपग्रेड करके सीनियर सेकेंडरी कर सकती है? नहीं कर सकती, इतना बजट नहीं है हरियाणा सरकार का, तो फिर कल क्या होगा? तो बजाय सिर्फ अपग्रेड करके अगर सरकार अपनी पीठ थपथपाना चाहती हो तो यह सरासर गलत है, क्योंकि सरकार को यह करना चाहिए था कि जो मुख्य समस्या है पहले उस पर ध्यान देते। आप ये देखें कि ये बेटियां क्यों नहीं जाना चाहती दूसरे स्कूल में, दूसरे गांव में, उन मंचलों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। इन्होंने पहले भी कंप्लेंट दी, पुलिस में भी दी और भी शिक्षा अधिकारी को दी, परंतु उस पर एक्शन नहीं हुआ। सबसे पहले तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। क्या मैं अब भी पूछना चाहता हूं, ये भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, क्या एक भी एफआईआर दर्ज करके किसी एक को भी अरेस्ट किया सरकार ने जो इनको इनका रास्ता रोकते थे या इन्हें स्कूल नहीं जाने देते थे? जबकि इन्होंने ये बयान दिया बच्चियों ने कि हमारे दुपट्टे तक खींचे जाते थे, हमारे ऊपर पानी फेंका जाता था, हमें भद्दे कमेंट किए जाते थे, मतलब इस तरह के काम होते थे, क्या एक भी अरेस्ट किया हो तो बता दे सरकार। फिर दूसरी बात ये कहते हैं, आज ये कहते हैं हमने नोटिफिकेशन जारी कर लिया, हमने मान ली। आपने तो साहब 3 दिन पहले ही मान ली थी, 3 दिन तक क्यों भूखा रखा उन बेटियों को? यही चिट्ठी जारी अगर करनी थी, यही नोटिफिकेशन जारी करना था, आप 3 दिन पहले कर लेते तो उनकी स्ट्राइक 3 दिन पहले खत्म हो सकती थी। आपने जानबूझकर इस स्ट्राइक को 8-9 दिन तक खींच रखा, क्यों? क्या वो बेटी आपके प्रदेश के कुछ नहीं? बड़ा सवाल यहां पर पूजा जी, सबसे बड़ी बात ये, इतनी जो संवेदनहीनता है वो ऐसे प्रदेश में है जिस प्रदेश में 2016 पिछले साल के अगर आंकड़े देखें, 93 रेप हर महीने हुए हैं इस हरियाणा प्रदेश में, और पिछले एक साल में अगर सिर्फ गैंग रेप की बात करें तो 204 गैंग रेप हुए इस प्रदेश में, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है, नंबर 1 पर रहा गैंग रेप में हमारा। उस प्रदेश के मुख्यमंत्री, उस प्रदेश की सरकार की ये बयान है, ये एक्शन है, ये प्रतिक्रिया है कि 8 दिन लगा दिया आपने एक अपग्रेड करने में और आज तक एक भी बंदे के खिलाफ, एक भी अपराधी, एक भी मंचले के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। ये कहते हैं हम दुर्गा ऑपरेशन चलाएंगे, कहां चल रहा है वो दुर्गा ऑपरेशन? हवा में चलता है, कहां है इनका? अगर वो चल रहा होता तो क्या ये अपराधी, ये मंचले जो लड़के हैं, अरेस्ट नहीं होते, गिरफ्तार नहीं होते? तो इससे तो यही सच्चाई सामने आती है कि सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। फिर एक और बात यहां सोचिए, जैसे सोनीपत और रोहतक जैसी जो घटनाएं हुई और अब ये इन बच्चियों के साथ, और यही नहीं पीछे डिंगर हेडी में भी हुआ और भी रोहतक में भी एक नेपाली के साथ हुआ, और कि कोई भी प्रशासनिक अमला किसी भी मामले में इस तरह तुरंत एक्शन नहीं लेता, तुरंत एक्शन कभी नहीं लेता। एक और बात हुई थी जो सोनीपत की लड़की के साथ रोहतक में जो गैंग रेप हुआ, कि पुलिस ने पहली जो रिपोर्ट लिखी उसमें उसे लड़की नहीं माना, उसमें युवक लिखा कि ये युवक है, और उसे ये मानने से मना कर दिया कि इसके साथ रेप हुआ। उन्होंने कहा कि इसका एक्सीडेंट हुआ, ये तो बहुत बाद में जब वो मेडिकल चेकअप के लिए गई तब जाके पुलिस ने माना कि हाँ इसके साथ रेप हुआ। तो ये इतनी बदतर हालत है आज हरियाणा प्रदेश की, कि सच्चाई है कि कोई भी आदमी, अगर उसकी बेटी अगर सुबह घर से निकलती है, जब तक शाम को वो अपने घर वापिस नहीं आ जाती, उसे ये डर, ये चिंता रहती है कहीं मेरी बेटी के साथ कोई अप्रिय घटना ना हो। ऐसे हालात होते हुए भी अगर मुख्यमंत्री जी आज 8 दिनों के मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं है ना, तो सोनीपत पहुंचे, ना वो रेवाड़ी यहां पहुंचे, ना वो डींगर हेडी गए थे, तो ये कैसे मुख्यमंत्री है? 22 दिन बाद वो अपने अपनी विधानसभा में जो शहीद था उसके घर पहुंचकर कहते मुझे नहीं पता था ये शहीद मेरे अपने विधानसभा। तो ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसी सरकारें होती है क्या?
नहीं मैं उस पर आऊंगी, लेकिन इससे पहले मेरे कुलभूषण भारद्वाज जी से सवाल है। कुलभूषण जी, कुलभूषण जी, जब बात आती है पीठ थपथपाने की, जब बात आती है प्रोपेगेंडा की, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर हो, चाहे ऑपरेशन दुर्गा के नाम पर हो, या फिर जब लिंग अनुपात में इंप्रूवमेंट होता है तो आप पीठ थपथपाने के लिए हमेशा राजी, लेकिन आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि सुरक्षा सुनिश्चित कैसे करेंगे हर मामले में। अभी तक देश की प्रदेश की जितनी बेटियों के साथ में विभत्स घटनाएं हुई, चाहे यहाँ पर छेड़छाड़ का मामला हो, डिंगर हेडी का मामला हो, चाहे अभी गैंगरेप का मामला सामने आया हो, प्रशासनिक अमला हर बार फेल नजर आता है, क्यों नहीं आप गाइड करते? आप तो कहते हैं कि अब आपके अधिकारी खूब सुन रहे हैं, तो फिर यहाँ पर क्यों है इतना फेलियर सरकार का? पूजा जी, मेरे दोनों साथी बैठे हैं जिन्होंने कि हमसे पूर्व में 10-10 साल राज किया हरियाणा। आप बोलने का मौका देंगे ना, आपने अपनी बात कही, मेरा आपसे निवेदन है, मुझे बुलाया तो आप मुझे सुने। हाँ, ठीक है। मेरे दोनों साथी यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने 10-10 वर्षों तक इस हरियाणा प्रांत में राज किया है। इन दोनों सरकारों ने जो गड्ढे खोदे थे हरियाणा के अंदर, उनको भरने का काम अभी हमें 2.5 साल हुआ है और हम धीरे धीरे उन गड्ढों को भरने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमें समय दें ना, मौका दें आप हमें। और जो अभी कपिल जी बात कर रहे हैं, अभी 2.5 वर्ष में कोई जादू की छड़ी नहीं है किसी भी सरकार के पास, हम बड़ी संवेदनशीलता के साथ उसके साथ काम कर रहे हैं। आपने जो कदम उठाए उसका नतीजे बताइए। दूसरी बात, एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे डिंगर हेडी की घटना हो, चाहे सोनीपत की घटना हो और चाहे गुड़गांव की घटना हो, आप देख सकते हैं कि उसके अंदर पुलिस ने पूरी तेजी के साथ काम किया है। उनको गिरफ्तार किया है, उनको गिरफ्तार किया है। आपको याद है मामला उसमें क्या दर्ज किया गया था? उसके अंदर डकैती का पर्चा दर्ज जो हुआ था, उसके अंदर उसके बाद जो बयान, जो पीड़ित युवती थी, जब जैसा उसने बयान दिया, एक मैडम ऐसा कुछ नहीं है, मैं कानून का भी जानकार हूँ, मैं उसकी जानकारी रखता हूँ। मैडम पीड़िता ने जब जो बयान पहले दिया उसके आधार पर FIR दर्ज हुई, उसके बाद दोबारा जब उसने और जानकारी दी तो उसके अंदर धाराएं ऐड की गई, ऐसा नहीं था उसके अंदर। अब अगर आप मैंने कहा नहीं, मैं ऑन रिकॉर्ड, मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, पहले उस पीड़िता ने जो बयान दिया था उसके आधार पर FIR दर्ज हुई थी, उसके बाद दोबारा जब पंचायत जुड़ी, जब वहाँ पर और लोग जुड़े, प्रशासनिक अमले पर खुद महिला ये आरोप लगा रही है, कैसी बातें कर रहे हैं? और आप कह रहे हैं कानून की जानकारी, कानून की जानकारी, मैंने आपको बताया है, मैं उन दोनों बातों को जानता हूँ। डिंगर हेडी घटना को मैं बड़े नजदीक से मैंने पढ़ा है और देखा है, उसके अंदर मैं खुद भी गया हूँ, वहां पर जो पहले पीड़िता ने जो बयान दिया था उसके आधार पर सेक्शन उसमें लगे थे, पुनः दोबारा जब उसने बताया उसके अंदर उदाहरण ऐड कर दी गई। लेकिन मेरे साथी जो बोल रहे हैं कि कैसा मुख्यमंत्री है, हमारा मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जिसको तिहाड़ जाना पड़े, हमारा मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है कि जो CLU कराए, हमारा मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है कि जो जमीनों के सौदे कराए। मुझे बताइए पंचायत क्यों जुटी? जब भी कहीं पंचायत जुटने के बाद कहीं पर भी कोई घटना, कहीं पर बताइए ये बात आप। हमने वो CBI जांच के लिए इसलिए कहा है कि ताकि दूध का दूध और पानी किसी का दबाव ना हो। हाली का मामला जब सामने आया तो मुझे उसमें बताइए क्या हुआ उस मामले के अंदर, क्यों युवती को युवक बताया गया, क्यों कहा गया कि उसमें कोई गैंगरेप नहीं हुआ, उस मामले बताइए क्यों? जब पहले से शिकायत थी कि महिला के ऊपर खतरा है तो क्यों नहीं वहां पर उसको सुरक्षा मुहैया कराई गई, क्यों उसकी बातों को अनसुना कर दिया गया? और मुझे अभी तक एक ऐसा मामला बताइए जहां पर प्रशासनिक अमले ने इस तरह के मामले को लेकर संजीदगी दिखाई हो। मुझे एक मैटर, आप एक मामला ऐसा बताइए अभी तक आपकी सरकार बनने से लेकर अब तक। पूजा जी, गुड़गांव की घटना हो चाहे जिसके अंदर गैंगरेप की बात हो रही है, और चाहे सोनीपत की घटना हो, उस घटना के अंदर परिचित लोग शामिल हैं, अपरिचित नहीं है, कोई उसके अंदर अपराधी नहीं है, उसके अंदर परिचित लोग हैं जो उसको बहला फुसला कर ले गए और जब जाकर उन्होंने इस कांड को अंजाम दिया है। और जो गुड़गांव वाला मामला है उसमें भी आप देख सकते हैं, उसने बोला है कि मैं जा रही थी, उसके बाद मुझे जहां पर छोड़ा गया वो भी संदेह प्रस्त है, अभी तक उसके अंदर कोई ठोस जानकारी नहीं, साक्ष्य नहीं। कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वो परिचित थे या अपरिचित थे, आरोपी दोषी है एक बात। दूसरी बात, अगर लड़की ने ये कहा, उसके परिजनों ने कहा था कि हमको खतरा है, हमारी जान को खतरा है, हमारे अस्मत को खतरा है, तो पुलिस और प्रशासन ने क्या किया? ये कि परिचित थे का परिचित थे, उन्होंने मर्डर किया, उन्होंने गैंगरेप किया, उन्होंने निर्भया कांड जो दिल्ली हुआ उससे कहीं कई गुना विभत्स घटना है, वो जिसको कहते भी बड़ी गुस्सा आता है। निर्भया कांड सवाल ये है, निर्भया कांड एक बच्ची, एक महिला जो है वो बस के अंदर चढ़ती है, उसके साथ घटना। सवाल ये है, सवाल यहाँ पर जो लोग, यहाँ तो बच्चे को उठाया जाता है, यहाँ पर परिचित है, वो घटना कर ले जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, गलत काम हुआ, गलत हुआ तो ठीक है, गलत हुआ नहीं तो उसके अंदर वो मैच्योर थी, वो चढ़ गई तो वो गुनहगार। पूजा जी, मैं यही जानना, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि दो तरह के अपराध होते हैं, एक अपराध होता है कि जिसके अंदर के अस्कमत
आप समाजिक तत्व गुंडा तत्व किसी महिला को उठाते हैं उसका एक परिवार ने कहा, लेकिन जहाँ पर परिचित लोग हैं वो परिचित लोग अभी अपने शब्द जो है मेरे मुंह से कहलवाना चाह रहे हैं। मैंने कहा है कि परिचित लोग थे, वो परिचित लोग थे उसके अंदर, कुछ भी हो परिचित लोग अपराधी नहीं है, वो अपराधी है, अब उन्होंने अपराध कर दिया। आपने महिला थाने खोल दी, क्या फायदा फिर मुझे उनका बताइए? अगर आप शिकायत करने के बाद भी सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पा रहे और फिर भी उस लड़की के साथ में, चाहे उसके परिचित है, उसका बाप करे उसके साथ में रेप, रेप तो रेप है, आप मानते हैं ना इस बात को, चाहे बाप भी करे तो भी गलत काम गलत ही है ना। तो उसके अंदर एक मिनट, हाँ, मुझे आपकी बात, हाँ, अगर बाप अपनी बेटी को लेकर जा रहा है तो कोई छोड़ पकड़ सकता है? रेप करने ले जा रहा है, आपने कहा अभी कैसे रेप कर सकते, बाप रेप करेगा तो कौन बचाएगा उसको समाज में? आप बताओ कराएंगे बाप, मामला दर्ज किया लगा, लेकिन बाप के साथ बेटी जा रही है तो हम कैसे कह सकते हैं रेप करने ले जा रहा है? आपको पता है, आप पहुंचे गए इस गांव के अंदर, आपने बच्चियों से बातचीत की, हमने बातचीत की, बच्चियों की आंखें मोटी मोटी सूजी हुई थी रोते रोते, साफ तौर पर कह दिया जी असमत प्यारी है, शिक्षा प्यारी नहीं है। आप बताइए आपकी कैसे पढ़ेंगे प्रदेश में बच्चे, मुझे ये बताइए आप। मैंने कहा है आपको, जो भी इस तरह के असामाजिक तत्व हैं, जो भी इस तरह की हिम्मत और हिमाकत कर रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार ने पुलिस में एक्शन लिया, अभी तक कोई एफआईआर नहीं उसके अंदर सामने नहीं आया है। अभी तक जैसे ही वो विद्यालय अपग्रेड हुआ है, अब वहाँ सारी समस्या समाप्त हो गई है। अभी नहीं हुई सर समस्या समाप्त, अब कोई नहीं बोल रहा वहाँ पे, अब कोई अभी तक कॉलेज भी गांव में आ जाएगा क्या? आज तक अभी तक कोई भी वहाँ की जो हमारी बिटिया थी, बहन थी, जिन्होंने कहा कि अपग्रेड होना चाहिए, हमें लोग छेड़ते हैं, अब तक अब इस समय तक भी किसी ने भी ये नहीं कहा है कि वहाँ पर अभी हमें किसी ने छेड़ा है। बस अभी स्कूल नहीं गई तो छेड़ेंगे कहाँ से? नहीं, अभी तो स्कूल नहीं गई, मैं ये कह रहा हूँ किसी अभी स्कूल तो और भी तो कोई होंगे ना वहाँ पे, स्कूल के अलावा भी तो कोई होंगे वहाँ पे, वो नहीं जरूरी तो स्कूल जा रहा है, बाजार भी गए होंगे वो अपने परिचितों के घर पर भी गए। मैंने आपसे कहा है वो केवल स्कूल की बात नहीं है, वो अपने बाजार में भी गई होंगी, वो अपने किसी परिचित से मिलने भी गई होंगी, रिश्तेदारी में भी गई होंगी, लेकिन अब तक इस समय तक भी किसी ने ये नहीं कहा है कि कोई मन चला या कोई व्यक्ति वहाँ पे। मुझे रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए, आप रुक रहे, ब्रेक के बाद भी लगातार चर्चा जारी है। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। मुकेश जी, ये तो बीजेपी की बात हो गई, सुरक्षा तो आप भी मुहैया नहीं करवा पाए थे। देखो पूजा जी, मैं मौजूदा सरकार की बात बताना चाहता हूँ कि आज पूरे देश हरियाणा में अराजकता का माहौल है और किसी भी अधिकारी को इस बात का डर नहीं है कि उसने क्या करना है। अनुभवहीन सरकार इस टाइम पे साबित हुई है 3 सालों में। आप देखोगे इतिहास उठा के कि आए दिन कोई ना कोई रेप की घटना होती है, आए दिन मर्डर हो रहे हैं। आपके टाइम में नहीं हो रही थी? नहीं सुनो, हम एक्शन लेते थे, अब एक्शन नहीं हो रहे हैं, वो डर नहीं है, याद है क्या? अब डर नहीं है, बंदूक की नोक पर गैंग, अब डर नहीं है, अब लोगों में डर नहीं है, पहले पहले डर होता था। आपको याद है सैकड़ों गैंगरेप हुए थे 2 से 3 महीने के अंदर, याद है? तो हमने सबको अरेस्ट किया था, सबको अरेस्ट करके, नहीं अरेस्ट करके सबको सजा दिलवाई, मामले से शुरुआत हुई थी, लेकिन आप मीडिया के दबाव में आ पाए तब आप लोगों ने इस मामले को तब संजीदगी से लिया था। लेकिन आज आज का आज सेम चीजें वही थी सर, आज आप इनको कोस रहे हैं वो बात ठीक है, क्योंकि विपक्षी दल आप हो गए। नहीं नहीं, मैं तो कहा विपक्षी दलों के नाते, आप मैं कह रही हूं विपक्षी दलों के नाते बच्चियों के लिए आपने क्या किया बताइए। मैं ये बता रहा हूं कि आप पहले आंकड़े उठाओ, उस टाइम के आंकड़े उठाओ और अब के आंकड़े उठाओ, आपको निर्णय अपने आप सामने आ जाएगा। उस टाइम पे कितने लोगों ने दुष्कर्म किए और कितनों को सजा मिली वो आपको पता लग जाएगा। अब कितने आदमी दुष्कर्म कर रहे हैं और सजा नहीं मिल रही है, तो लोगों का जो बढ़ाव है क्राइम की तरफ वो ये बढ़ रहा है। कि आप गड्ढे खोद के गए थे उनको भर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, देख गड्ढा कोई नहीं खोदता है, हर सरकार काम करती है और ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास भी करती है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर ये ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? लेकिन देखो वो इनका अपना व्यक्तित्व बयान है, जब सरकार चलाता है आदमी, जब अपने आप पता लगता है कि कितने सामने कठिनाइयां आती हैं। आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का डर पूरे अधिकारियों पे नहीं है, उनमें कम्युनिकेशन गैप है, लोग इनके विधायक तो इसी बात को लेकर नाराज हैं, सिर्फ उन्हीं की सुन रहे अधिकारी और किसी की सुन नहीं रहे। नहीं नहीं देखो, कम्युनिकेशन गैप है और कम्युनिकेशन गैप जहां सरकारों में रहता है वहां पे अराजकता का माहौल होता है और वहां क्राइम रेट बढ़ता है, क्योंकि किसी को परवाह ही नहीं है। बेटी पढ़ाओ अभियान, ये सब ऑपरेशन, ये सब जो ना ड्रामे, ये सब महिला थाने, ये सब ड्रामेबाजी है, ये एक इनकी पॉलिसी है। पैसे तो खर्च कर रही है ये मीडिया, मीडिया के माध्यम से एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहता है कि हमने ये किया ये हमने किया, लेकिन जमीनी स्तर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं है। हर आदमी आज ये देख रहा है, इनको नहीं, इनको 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 भागना पड़ेगा तो चलिए बहुत आसान इनको चीज़ है, मैं कमियां निकाल दूं, आप उसमें कमियां निकाल इनको, इनको मुझे बताइए कमियां ये कहां पर है, क्या करें ये लोग? नहीं, इनको करने का समय जा चुका है, 1 साल इनके पास और बाकी है, 1 साल के बाद चुनाव है,
लोगों के बीच ये जा नहीं पाएंगे, इतना माहौल इन्होंने पूरे हरियाणा का खराब कर दिया है। तो इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इनको एक साल के अंदर अंदर ये आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोगों का जो भय है वो खत्म नहीं है, कोई भय है नहीं। लोग जो है ना मनमानी कर रहे हैं, लोगों को कोई सरकार के प्रति अपराध कर रहे हैं, अपराधी भी अपराध कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि कोई डर नहीं है, कोई सजा मिलने वाली नहीं है, बेखौफ जो ना घूम रहे हैं, रोजाना रेप हो रहे हैं, लेकिन जब तक सरकार का मुख्यमंत्री का दबाव और एक ठोस कदम नहीं होगा, जब तक किसी को कोई निर्णय मिलने वाला नहीं है। चाहे किसी की भी सरकार आए, एक मुख्यमंत्री को ठोस होना पड़ेगा, उसको एक लगाम खींचनी पड़ेगी, उनको पुलिस पे पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा कंट्रोल, मैं तो वो पूछ रही हूँ आपसे, वो उन्होंने अपना देखना है। आप लोग भी सत्ता में रहे ना, मैं तो इसलिए कह रही हूँ सलाह दे दीजिए। हमने 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 हर अधिकारी को खींच के लिया, नहीं बिल्कुल डंडे के बल पर होगा, तो ये लोग बहुत कर रहे हैं, नहीं तबादलों से कुछ नहीं होगा, जब तक आपका डंडा रूलिंग नहीं चलेगी किसी भी अधिकारी पे, आपने जवाब तलब लेना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए अधिकारी की कि आपके जिले में ये कार्य हुआ है, ये गलत हुआ है, आपको जवाब देना पड़ेगा। जब तक अधिकारी जवाब दे नहीं होंगे, जब तक कोई लाइन रोडर स्टाफ नहीं। अरविंद जी, क्या वाकई बस नहीं चल रहा है इनका अधिकारियों पर? नहीं पूजा जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो मुख्यमंत्री हैं या सरकार है हरियाणा प्रदेश की, उनका एक तो आम आदमी से जो कनेक्शन है वो पूरी तरह से टूट चुका है। उन्हें ये नहीं पता कि आम आदमी की क्या ज़रूरतें हैं, क्या परेशानियां हैं और वो कैसे सॉल्व होंगी। दूसरी बात अधिकारियों की, तो खट्टर साहब ये तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं, सभी कहते हैं कि अनुभव नहीं है। अब तो उनके अपने विधायक भी कहने लगे कि पीछे एक विधायक ने बोला कि उन्होंने 2.5 साल हरियाणा के स्वर्णिम बर्बाद कर दिए। वो तो कहते हैं गलत लोगों से घिरे हैं दरअसल। ये भी कहा था कि उन्होंने बर्बाद भी कर दिए। एक विधायक अपनी पार्टी का अगर ये कहे कि हमारे मुख्यमंत्री ने 2 साल हरियाणा के 2.5 साल बर्बाद कर दिए, तो ये एक बहुत बड़ा आरोप है कि वो नहीं संभाल पा रहे सरकार को, अधिकारी उनसे बाहर है। परंतु एक और बात, सरकार की इच्छा नहीं है या ये समझ नहीं पा रहे? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इच्छा नहीं है, परंतु इनकी प्रायोरिटीज अलग हैं। प्रायोरिटीज बड़ी बात है कि हमारी प्राथमिकता क्या है। इनकी प्राथमिकता ये है कि गीता जयंती कैसे मनाई जाए, स्वर्ण जयंती वर्ष कैसे मनाए, सरस्वती जो कहीं है ही नहीं, सिर्फ एक सपना खट्टर साहब ने देखा, अगले दिन पूरी टीम लगा दी सरस्वती खोदने में, जो हमारे यहाँ हमारे घरों में जो सरस्वती बैठी हुई है, हम उन बेटी बहन बेटियों के लिए तो कुछ नहीं कर पाए, परंतु एक जो सपना इन्होंने देखा उस सरस्वती खोजने पूरा अमला वहां पहुंच गया यमुनानगर। तो ये प्रायोरिटीज की बात। फिर सही बात, आप ये देखिए कि बजट खर्च की बात, ये कहते हैं हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया, उसके लिए किया क्या? कितने नए महिला कॉलेज इन्होंने हरियाणा प्रदेश को दिए ये बताएं, कितने लड़कियों के लिए कितने बड़े स्कूल बनाए इन्होंने, पूरा हरियाणा प्रदेश की बात करें, कितने स्कूलों को अपग्रेड किया, कितने नए कमरे स्कूलों में बनाए, बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई नई योजना इन्होंने लाई। अब ये कह रहे हैं हम एंटी रोमियो स्क्वाड लाएंगे, आपने दुर्गा भी तो शुरू किया था, उसका रिजल्ट क्या रहा? उससे तो कहीं कुछ नजर नहीं आया। तो सिर्फ कोई भी योजना की घोषणा करने से वो सफल नहीं होती, उसे जमीनी स्तर पर ले जाना पड़ता है। एक और मैं आंकड़ा बता देता हूं कि 2005 का एनसीआरबी का आंकड़ा है, जो केंद्र की एजेंसी हमारी है, हरियाणा प्रदेश की नहीं है। उस वो ये कहती है 2005 में हरियाणा प्रदेश में 399 केस दर्ज हुए छेड़खानी के, पूरे हरियाणा प्रदेश। लेकिन ये तो कहते हैं ना मामले दर्ज होने शुरू हुए इसलिए आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये तो हमारी अचीवमेंट है। अब भी नहीं होते, ऐसा तो नहीं है, अब भी बहुत से ऐसे मामले हैं। सुभाष बराला जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक भी हैं, बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है, उनके अपने भतीजे पर लड़की को अगवा करने का आरोप लगा है, टीवी चैनलों पर भी कई के चला, वो वीडियो मैंने देखी है, अखबारों में वो कटिंग्स आई हैं, अपने भतीजे पर, और लोगों ने हाईवे जाम भी किया, सैकड़ों लोगों ने, उसके बावजूद उन पे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष का भतीजा, तो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, ये बेकार की बात है। मुकदमे पहले भी दर्ज हुआ करते थे, कार्रवाई पहले भी होती थी, सिर्फ 399 दर्ज हुए थे, और जो कि पिछले साल 2016 में 1764 हो गए, मतलब लगभग 4 गुना से भी ज्यादा। तो ये एक विषय है गंभीरता का, सरकार को अभी भी गंभीर होना चाहिए, आगे 1.5 साल जो बचा है, कैसे भी करके आप हरियाणा प्रदेश को सुख शांति देने की कोशिश कीजिए, आगे जो होगा वो तो पता नहीं, वो तो जनता अपने आप निपटेगी आपसे, पर इस 1.5 साल के लिए कोई तो व्यवस्था कीजिए। आपने महिला थाने खोल दिए, आज स्थिति ये है कि पुलिस कर्मियों की पहले ही हरियाणा प्रदेश में कमी है, आपने एक भर्ती की थी उसका रिजल्ट आज तक नहीं आया, एक नया पुलिसकर्मी आप भर्ती नहीं कर पाए, आप कैसे हरियाणा प्रदेश को सुरक्षित बना सकते हैं? ये वो प्रक्रिया तो बताया ना बजाय भाषण के, इनके पास में ऐसा कोई प्रोजेक्ट भी नहीं है, ऐसी कोई प्लानिंग भी इनके पास में नहीं है जिससे कुछ ये कर सकते हैं। कुलभूषण भारद्वाज जी, प्लानिंग आपके पास है नहीं, सिर्फ आप पैसा खर्च कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं, नतीजे सिफर। देखिए, जब आदमी सत्ता से बाहर हो जाता है तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है।
मेरे साथी जो बात बोल रहे हैं इनके मुख्यमंत्री साहब 10 साल राज करके इस हरियाणा प्रांत को लूट के तिहाड़ में बैठे हुए हैं। एक जो मेरे साथी बैठे हैं उनके मुख्यमंत्री जो किया, एक मिनट पहले मेरी बात, आप बोल रहे थे आप, मैं विषय पे आ रहा हूँ। आप हमें इन लोगों से सीख लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे को हम जनता के सहयोग से और जनता के हित में काम कर रहे हैं और अभी हमें 2.5 वर्ष हुआ है। आगे आगे आप देखिए हरियाणा प्रांत के अंदर जो जनता जनार्दन है उन्हें दोबारा से हमारे साथ खड़ी मिलेगी और जितने भी जो असामाजिक तत्व हैं और जो विपक्ष के लोग जाकर उन तत्वों को संजीवनी देने का काम कर रहे हैं चोर रास्ते से, रात को जाकर उन सब पर लगाम लगाई जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये हरियाणा की सरकार खट्टर जी के नेतृत्व में बिल्कुल पूरी पारदर्शिता के साथ और जो इस तरह के असामाजिक तत्व हैं उनको सलाखों के पीछे भेज कर ही चैन से बैठेगी, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। कुलभूषण जी, ये तो आपका आश्वासन हो गया, भाषण हो गया। मैंने आपसे शुरुआत से अब तक यही पूछ रही हूँ कि मुझे आप एक एग्जांपल दीजिए, एक आप मुझे ऐसा केस बताइए जहाँ पर आपने ये प्रूव किया हो कि सरकार इस मामले को लेकर संजीदा थी। नहीं, कहाँ पर, कौन से आप मुझे एक केस बताइए, कौन सा एक केस है जिसमें अपराधी घूम रहे हैं? आप मुझे एक काम बता दीजिए, एक मुझे एक केस पहले बताइए किसमें अपराधी सलाखों के अंदर नहीं है, वो बताइए। सलाखों के पीछे तो पहुंचेगा ना, जब मीडिया पहुंचेगा। आप तो जब तक मीडिया मामले को ना उठाए, जब तक मीडिया आपको ना घेरे, तब तक आप काम ही नहीं करेंगे। पूजा जी, पूजा जी, मैं तो मीडिया का ही धन्यवाद कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, आप एक केस पूरा ये बता दीजिए पूरे हरियाणा के जो अपराधी बाहर घूम रहे हो। सर, अपराधी तो बाद में आप करेंगे ही ना काबू में, जब मीडिया का दबाव आएगा, जैसे आपने आज किया। ऐसा कुछ नहीं, जैसे आप नेशनल मीडिया पहुंच गया, पूरा हरियाणा का मीडिया जब वहां पहुंच गया तो आपने क्या कहा, लेटर भी दे दिया आपने। पर किस तरह की कोई भी घटना घटती है तो मीडिया तो नेशनल का अंतरराष्ट्रीय मीडिया ही पहुंचता है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, बात अच्छी बात है, लेकिन हमने उसके ऊपर कार्रवाई की, हमने उस पर कार्रवाई की। युवती को पहले आप युवक लिख देते हैं, उसको गैंगरेप नहीं मानते हैं। जांच का विषय है, बिल्कुल मैं वही चीज कह रही हूँ। लापरवाही वो ऐसे तो हर मामले में लापरवाही है, डिंगर हेडी मामले में भी लापरवाही है, इस वाले मामले में भी लापरवाही है। मिस्टेक कहीं पर भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। सर, आप काम तो उसमें युवक युवती की बात, नहीं नहीं नहीं, उस पर एक्शन तो हुआ है ना, युवती और युवक में फर्क नहीं। हां तो एक्शन हुआ ना, एक्शन तो हुआ उस पर, कैसे हो सकता है, एक्शन तो हुआ ना, एक्शन तो वही ना, आप हर बात एक्शन तो हुआ एक्शन, लेकिन अगर क्लरिकल मिस्टेक कहीं होगी उस क्लरिकल मिस्टेक से केस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसके बाद आप लोग रिएक्शन करते हैं। पूजा जी, उस क्लरिकल मिस्टेक से मैं वही तो, उस केस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एक्शन हमेशा बाद में है जब रिएक्शन लोगों की आ रही है, यही तो मैं आपको कहना चाह रही हूं ना। फिर क्रेडिबिलिटी क्या है, मुझे ये बताइए, कौन से अधिकारी पर इस तरह गाज गिर रही है जहां लापरवाही, इतने मामलों में लापरवाही सामने आ रही है, जितने भी गैंगरेप हो, किसी भी मामले में सरकार संजीदा नहीं, किसी भी, मुख्यमंत्री कह देते हैं कि ये तो मामला हल्का है, इस तरह की छोटी-मोटी घटनाएं तो होती रहती है, ये मुख्यमंत्री के बयान है, तो मुझे बताइए महिलाओं को लेकर, उनकी सुरक्षा लेकर संजीदा कहां है सरकार? सरकार पूरी तरह से पाबंद है, सरकार पूरी संवेदनशील है और पूरे हरियाणा प्रांत के अंदर किसी भी बहन बेटी के साथ कोई भी असामाजिक तत्व अगर दुस्साहस करेगा उनको छेड़ने की घटना को, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अहिलारिया जी, ये तो मुझे हास्यास्पद लग रहा है। पूनम जी, फिर मैं आपके पास भी आ रही हूँ, मेरे से कि आपसे भी सवाल है, ये बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। कुलभूषण भारद्वाज जी की भी मजबूरी है कि इनको सरकार का पक्ष रखना है, लेकिन सच्चाई क्या है वो आपके, हमारे और जनता जनार्दन सबके सामने है। देखिए, कुलभूषण भारद्वाज जी कुछ भी कहें तो धरातल की हकीकत वो ये है कि जो एक गांव खोल ब्लॉक की जो बच्चियां थी वो 8 दिन से अनशन पे थी, वो ये नहीं कि आज सुबह अनशन पे बैठी और आज नोटिफिकेशन जारी हो गया। वो उससे पहले वहां का सरपंच ये कह चुका है कि हम पुलिस प्रशासन से बार बार ये कह चुके थे कि बच्चियां जाती हैं, इनके साथ छेड़खानी घटनाएं होती हैं, जो मनचले हैं, जो शरारती तत्व घूमते रहते हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। युवक और युवती की जो बात है, मर्डर हो गया वहाँ पर एक लड़के का इन्हीं झगड़ों को लेकर, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा जो कह रहे हैं क्लरिकल मिस्टेक, ये क्लरिकल मिस्टेक कैसे हो सकती है? मतलब आप इस बात को इतना हल्का करके ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जो अफसर हैं, जो नालायक अफसर हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो लापरवाह हैं, जो काम नहीं करते, जो लापरवाही बरतते हैं, उनको आप शेल्टर कर रहे हैं, उनको आप संरक्षण दे रहे हैं और उनकी गलतियों पर, उनके नकारापन पर आप पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस बात को मत भूलिए कि आपको सरकार, इस जनता ने चुना है, सरकार ने आपको, जनता ने चुन के आपको भेजा है। अगर जनता की बात, इस बात से सबक लेना चाहिए कि शीला दीक्षित को इसी बात पर बाहर कर दिया गया, सत्ता से बेदखल कर दिया गया, जब उन्होंने ये कह दिया कि जब लड़कियां घर से बाहर निकलेंगी रात को तो इस तरह के खतरे तो होते ही हैं। शायद ये बात ये सरकार समझ नहीं पा रही। नहीं, सरकार को समझना पड़ेगा, आज ही तो कल समझना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी इश्यू ये है कि अगर 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 जांच बिठा दी गई है, जांच बिठा दी, आप समझिए कुलभूषण जी, जांच आपने बिठा दी, अरेस्ट आपने कर लिया। दूसरी बात ये, अनिल जी, इनके जो बिर्क साहब कर रहे हैं उनका तो खुद ही कॉन्ट्रोवर्सी रही थी ना, इसी तरह के मामले को लेकर, वो एक आरोपी को एक कहता है कि जी सही है, वो कहता है नहीं है, वो बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी रही और उसमें जो दूसरी अधिकारी थी उनके यहाँ से बाहर भेज गया था। इशू वो नहीं है, इशू ये है कि वो जांच कर रहे हैं, मान लिया। लेकिन आपकी पुलिस
पहले स्टेज पर इतनी संवेदनशील क्यों नहीं है कि अगर कोई महिला कोई लड़की या उसका परिजन आके कहता है कि हमारी जान को खतरा है, हमारे अस्पताल पे खतरा है, तो उस पर एक्शन कीजिए। उस पर आप एक्शन नहीं कर रहे हैं, आप उसको जब इतना विभत्स, जब इतना विभत्स क्राइम हो गया उसका आप जांच कीजिए। सांप चला गया लकीर पीटते, उसका क्या मतलब, क्या फायदा, बताइए इस बात का जवाब दीजिए। मैंने आपसे कहा अभी कि परिस्थितियां उसके अंदर, उस केस के अंदर, क्योंकि आप जो मीडिया में बातें आ रही हैं, जो वहाँ पर जो लोग बोल रहे हैं, लेकिन सही मायने में साक्ष्य जो उसकी जांच चल रही है, उसमें बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो परिजन, जो उसके परिचित लोग हैं, उन्होंने, उस महिला ने या उसके परिजनों ने किस तरह की बात वहाँ पर कही है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। हम बता तो रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे जानकारी है कि उन्होंने कहा कि वो परिचित लोग थे और उनसे उनकी पहले आपस में बातचीत थी। परिचित तो लोग थे, तभी तो पता था ना कि उनके ऊपर खतरा है। नहीं नहीं, वो उनको ले जाकर परिचित लोग जब आपने खुद ही कहा ना कि परिचित लोग ही हैं, जो लोग गैंगरेप कर रहे हैं, जो लोग, मैंने ये कहा है कि अगर परिचित, आप विश्वास तो किसी पर करेंगे ना, परिचित लोग उनके साथ वो चली गई और उन्होंने जाकर इस घटना को अंजाम दिया। परिचित लोग कभी गलत नहीं कर सकते, उन पर भरोसा कर सकते हैं। भरोसा कहीं तो मैं, मैडम, दुश्मन से ही तो आप सजग रहेंगे ना, लेकिन अगर कोई अपना बन के अगर दुश्मनी निकालेगा तो उसको सजग कैसे। परिचित से खतरा है मुझे, उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा दुश्मन कौन बनेगा, परिचित दुश्मन बनेगा ना, प्रति नहीं कहा, मुझे बताइए दुश्मन कौन बनेगा, परिचित ही दुश्मन बनेगा ना। देखिए मैंने आपसे दुश्मनी मुझसे कोई कोई मुझे अंधेरे कोई भी व्यक्ति, कोई भी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति है, अगर वो पहला फुसला का पूजा जी उनका कहना है, ये उस युवती का कहना है कि भूषण जी आपको मान लेना चाहिए कि यहाँ पर खामियां हैं, तो शायद ये सवाल खत्म। मैंने पहले कहा आपसे बात, लेकिन आप तो कहीं पर भी कमियां नहीं, मैंने कहा है कि आप कहीं पर ये नहीं मानने की सरकार की कमियां, जहाँ भी आपने कमियां उजागर की है, मैंने आपसे पहले बोला है उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। इशू ये है, ये तमाम एग्जाम्पल है, चाहे वो आज की घटना है, चाहे वो सोनीपत की घटना थी, चाहे डिंगर की घटना थी, वो एक ये बहुत बड़े एग्जाम्पल है कि जो सरकार की जो कार्य प्रणाली है या पुलिस प्रशासन का रवैया है उसको दर्शाती है। प्रश्न ये है कि इस सरकार के तहत जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो पुलिस है, जो इस सबके रखवाले हैं, वो कितने संवेदनशील महिलाओं के प्रति घटित होने वाले अपराधों के लिए हैं। आप पुलिस थाने बना लीजिए महिलाओं के अलग, आप दुर्गा ऑपरेशन चला लीजिए, आप रोमियो स्क्वाड की बात कर लीजिए, यूपी में जो हो रहा है उसकी तरफ आप सब कर लीजिए, आप भूषण खाने की बात क्यों कर रहे हैं। सबसे सबसे बड़ी बात यह है कि आप कितने संवेदनशील अपने अधिकारी कर्मचारी को बना पाए हैं और बना रहे हैं। आप एक चीज और देखिए कि जब जाट आरक्षण आंदोलन हुआ, उस जाट आरक्षण आंदोलन में जो प्रकाश कमेटी बनाई गई थी, उस प्रकाश कमेटी की जो फाइंडिंग्स थी, उन फाइंडिंग्स पे क्या हुआ, आप अगर उन पे कोई ठोस एक्शन लेते, आप अगर अपने मंत्रियों और बाकी लोगों के दबाव नहीं आते, तो शायद अधिकारियों कर्मचारियों को आंख होती, उस कमेटी को प्रकाश सिंह आप कोई एग्जांपल ही सेट नहीं कर पाए। दूसरा, प्रकाश सिंह को जब सौंपा गया था कि पुलिस को हम और कैसे संवेदनशील बनाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया था, वो प्रकाश सिंह जो पद्मश्री है, वो प्रकाश सिंह यूपी के डीजीपी है, बहुत बड़ी जो स्मार्ट पुलिस के लिए बहुत बड़ी उनकी एक उपलब्धि है, उनकी जो रिकमेंडेशंस थी, उन रिकमेंडेशंस के क्या हुआ, सब बट्टे खाते लग गई। कई बार तो प्रकाश सिंह को भी लगता होगा कि हरियाणा में आकर गलती कर दी, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, बेकदरी कर दी। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये सरकार, इस सरकार के मंत्री, इस सरकार के अधिकारी महिलाओं के प्रति या किसी भी अपराध के प्रति, कानून व्यवस्था के प्रति संवेदनशील कितने हैं, आपने उनको कितना संवेदनशील बनाया, कितना अकाउंटेबल बनाया, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर ये अकाउंटेबल हो जाए, अकाउंटेबिलिटी की तो बात छोड़िए, उसके अलावा ये हमेशा अपने प्रोपेगेंडा के लिए तो तैयार है पीठ थपथपाने के, लेकिन कमियां कहीं मानने को तैयार नहीं है। कमियां ये सबसे बड़ी बात, कमियां मानने को तैयार नहीं है, जो कमियां दिख रही है आप मत मानिए, आपको मालूम है क्या कमियां हैं, आपको सब कुछ सामने है, उनको सुधारिए सही, आप वो सुधार पा रहे हैं। आप तो गलतियों को मानने को तो नहीं, सुधारने की बात आप कहां से करेंगे। पूनम भटनागर जी, होना क्या चाहिए बेसिकली, उपाय क्या है, क्योंकि हमने ये तो चर्चा कर ली किसकी कितनी कमियां रही, बात यहां पर ये है कि ऑप्शन हमारे पास क्या बचते हैं कि हम सिचुएशन को बेटर कर सके। देखिए सबसे बड़ी ऑप्शन है अवेयरनेस, जो अवेयरनेस मेरे ख्याल से जो ये मुद्दा खड़ा हुआ लड़कियों का, ये अवेयरनेस थी जो आज वो खड़ी हो गई, आज उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की तो ये सब हुआ, तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस हो रही है। और रही बात संवेदनशील की, सब लोग बोल रहे हैं कांग्रेस की सरकार भी रही तो हमने उनको भी देखा, उसमें भी सब कुछ हुआ, लेकिन आज ये भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार के टाइम में बहुत अच्छा हुआ, ऐसे ही नैलो भी कह रही है। मैं समझती हूँ कि सरकारों को संवेदनशील होना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत जो मैंने महसूस किया है कहीं ना कहीं बीजेपी इन चीज़ों को लेकर चल रही है, वो ठीक है कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन लोग जागरूक हो रहे हैं और अपनी बात को कहीं ना कहीं सामने लाने की। मुझे आप एक बताइए, बात चल रही है, अगर आप एंटी रोमियो स्क्वाड की बात करते हैं,
आप दुर्गा ऑपरेशन की बात करते हैं या फिर अगर आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो ऐसी तमाम योजनाएं तो कांग्रेस ने भी शुरू की जिस पर करोड़ों रुपए उन्होंने खर्च किए। नाम बदलकर अगर आप योजनाएं लेकर आ जाते हैं तो मुझे नहीं लगता, चाहिए तो सिर्फ स्ट्रांग डेडिकेशन। आप जितना ज्यादा डिवोटेड होंगे किसी भी चीज को लेकर आप तभी किसी भी चीज से रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हर सरकार के लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा खर्च करना, अलॉटमेंट कर देना बजट के और प्रोपेगेंडा करना। ये तो निर्भया कांड के बाद में निर्भया फंड भी बन गया, लेकिन क्या हुआ? बात तो सारी यहाँ पर है कि रियलिटी क्या है। बेसिकली जब हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो सिचुएशन ये है कि होना कुछ नहीं है, क्योंकि हमने जो अपनी क्रेडिबिलिटी है उसको हमने तय किया ही नहीं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर है। जो बजट इन्होंने दिया, जो कुछ भी स्कीम्स ये लॉन्च करते हैं वो लॉन्चिंग स्टेज पे रह जाती है, वो जो इम्प्लीमेंटेशन होना उसके चाहिए लिए, वो उसके नहीं है। तो सरकार जिम्मेदार है, समाज जिम्मेदार है या फिर प्रशासनिक अमला जिम्मेदार है? देखिए, सरकार अपना इम्प्लीमेंटेशन का काम तो विभाग करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ होना चाहिए विभागों को वो पुअर कंडीशन है। मैं आज भी कह रही हूँ बहुत सारी स्कीम सरकार ने लॉन्च करी, अच्छी करी, वो धरातल पर नहीं पहुंच पाई। इसीलिए धरातल पर होनी चाहिए और करोड़ों करोड़ों रुपया वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए दिया जाता है। और मैं कमाल की बात बताऊं, क्योंकि मैं एक एनजीओ रन करती हूं, पिछले 3 साल से कोई प्रोजेक्ट भी ऐसा नहीं एनजीओस को मिला जो कि वो इंप्लीमेंट कर सके। तो जरूरी है कि आप एनजीओस को इन्वॉल्व करिए। हाँ, कहीं ना कहीं पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन वो सिर्फ प्रोपेगेंडा हो रहा है, धरातल पर नहीं हो पा रहा। तो सरकार से गुजारिश है कि एनजीओस को इन्वॉल्व करें और जो भी बेसिक मुद्दे हैं, आज भी हम लड़ाई उसी चीज के लिए लड़ रहे हैं कि एजुकेशन होनी चाहिए, रोटी पानी होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, बिजली होनी चाहिए, आज भी हम वही लड़ रहे हैं। तो फिर कांग्रेस में, इनेलो में, बीजेपी में क्या फर्क है? तो आम जनता तो वही फर्क देखती है। तो मैं समझती हूँ फर्क आना चाहिए, वो महसूस भी होना चाहिए जनता को, वो कहीं ना कहीं कमी है, उसको सरकार को समझना भी होगा और इम्प्लीमेंट भी करना। कुलभूषण जी, आप तो महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, शायद आपको इंसिडेंस याद होगा जिसमें आपकी खुद पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी ये कहती है कि वो खुद सुरक्षित नहीं है। मुझे सारे इंसिडेंट याद हैं। कांग्रेस सरकार में गृहमंत्री थे, उनका भी प्रकरण याद है, एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी, उसके बाद उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली थी। मुझे सब याद अच्छी तरह से, लेकिन मैं आपको पुनः आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम सब मिलकर जो आपने कमियाँ उजागर की हैं, सरकार उस पर संवेदनशील है और निश्चित रूप से ऐसे असामाजिक तत्वों को सजा मिलेगी और पुनः हरियाणा के अंदर कहीं पर भी आपको ये बात सुनने को नहीं मिलेगी, मैं ऐसा आपको कह सकता हूँ। क्या अब कोई अधिकारी अगर लापरवाही करता है, प्रशासनिक अमला अगर कहीं पर भी जिम्मेदार पाया जाता है, तो क्या उसके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन होगा? निश्चित रूप से होगा, बख्शा नहीं जाएगा किसी भी अधिकारी को इस तरह। अगर किसी भी लड़की ने कोई शिकायत की, कोई भी काम नहीं, कार्रवाई होगी, तो क्या कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। आपके जितने भी ऑपरेशन है क्या उनका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा? निश्चित रूप से, मैंने आपसे कहा कि डीजीपी साहब ने बयान दिया है। आज हमें आज इस चर्चा के बाद में कभी आपकी खामियों को लेकर चर्चा करनी पड़ेगी? नहीं, देखो मैंने आपसे क्या कहा कि निश्चित रूप से हम सजग रहेंगे और आपके चैनल के माध्यम से जो जो कमियां हैं जो अगर आपने की है, निश्चित रूप से उन पर एक्शन होगा, मैं आपको विश्वास दिला। चलिए, आपके आश्वासन पर आज हम आपको छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर ये चीजें फिर से सामने आती तो फिर आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे। मैं फाइनल कमेंट चाहूंगी अरुण जी फटाफट से। पूजा जी, हम तो यही कहना चाहते हैं कि सरकार को काम करना चाहिए, सिर्फ प्रोपेगेंडा, सिर्फ प्रचार करने से सरकार नहीं चलती। प्रदेश की कानून की जो लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है उसे सरकार ठीक करे और हरियाणा प्रदेश के लोगों को, खासतौर पर हमारी बहन बेटियों को, महिलाओं को सुरक्षा देना सरकार की पहली जिम्मेदारी है, सरकार उसे पूरा करे। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है सर, सामाजिक तौर पर सामाजिक दायित्व तो आप लोग भी निभा सकते हैं जी। जहाँ पर भी इस तरह के मामले सामने आए थे, सरकार पर आप लोग भी भरपूर तरीके से दबाव बना सकते हैं। बिल्कुल पूजा जी, लेकिन विपक्ष की तो आजकल जरूरत ही नहीं पड़ रही सरकार को, आप लोगों को भी मजबूती के साथ उभरकर सामने आना चाहिए। हम वो दबाव बनाते भी हैं। 19 तारीख को हम पूरे हरियाणा प्रदेश के साथ साथ सोनीपत और रोहतक में हमारी महिला विंग जो प्रदर्शन करेगी, कल रात को हमारी इंसो जो है टीम, उसने पूरे हरियाणा प्रदेश में ये जो रोहतक का जो गैंगरेप हुआ इसके विरोध में कैंडल मार्च किया था पूरे हरियाणा प्रदेश में। और आज भी अभय सिंह जी का बयान इस पर आया, रेवाड़ी मामले पर बहुत बड़ी पार्टी है तो आपको डटना होगा, अगर किसी मामले में कार्रवाई ना हो डट जाइए पुलिस थानों के पास में। सर, आपका फाइनल कमेंट। पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मुकाम पे हरियाणा में फेल हुई है और ये जनता आने वाले चुनाव में बता देगी कि बड़े भाव से उनको वोट दिया था लेकिन जो धरातल पे जो उनके चुनावी वादे थे वो सारे फेल हुए हैं। धरातल पे किसी तरह का भी कोई विकास कार्य या कोई भी लाइन लेकिन मेरी आपको सलाह है, शायद आपको बुरी लग जाए, लेकिन मेरी आपको सलाह है कि मजबूत विपक्ष के तौर पर आप भी उभर कर आइए। मेरी बात सुनो, आज बेटी की बात, आज बीजेपी के नेताओं को काम से कोई मतलब नहीं है, उनको पता है 1 साल बचा हुआ है, अब वो जमीनों पे नजर है उनकी,
कि कितनी ज्यादा से ज्यादा जमीनें हड़प करी जाए। अभी हाल ही में जो नाम है अभी मैं बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री है उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं। मेरे पास वक्त नहीं सर, माफी चाहूंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात हमने आज महिलाओं की है, बेटियों की हित की बात की है। उम्मीद करते हैं कि सरकार शायद अब संजीदा हो जाए और शायद संजीदगी से काम करे, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। और कार्यक्रम में आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार। Da 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 da